अंबाला कृषि के तीन कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शंभू टोल प्लाजा पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर 10 फरवरी को दोपहर 1 बजे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच रहे हैं। इसके लिए आज टोल प्लाजा पर किसान पंचायत का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव से आए किसान नेताओं ने भाग लिया। टोल प्लाजा पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वही दिल्ली की तरफ जाने वाले किसानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीकेयू के जिला प्रधान गुलाब सिंह ने उनके आने पर यहां हजारों की संख्या में किसानों के इकट्ठा होने की बात कही है। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। तो संख्या के बारे में तो बता नहीं सकते, आपने परसों भी देखा, यहाँ बार बार पूछते थे कितने लोग आएंगे, ये देख लो आप, लोग गिने नहीं गए, 10,000 के लगभग लोग बता रहे हैं। तो 10 तारीख को हमारे किसानों के मसीहा सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे इसमें अंबाला जिले के 5-4 टोल प्लाजों में, 4 टोल प्लाजों में रहेंगे और अंबाला टोल प्लाजा में उनका 10 बजे का टाइम है। तो मैं आपके माध्यम से सभी अपने अंबाला जिला के सारे किसान भाइयों को प्रार्थना करता हूँ, वे ज़्यादा से ज़्यादा आकर उनके विचार सुने, उनकी आगे की रणनीति सुने, तो बढ़कर संख्या में आएँ और गुरनाम सिंह का, ताकि जितने ज़्यादा आएंगे मैं ये समझूंगा भी आप उतने ही सरदार गुरनाम सिंह का स्वागत करेंगे। देखो जी, अच्छी बात को तो अच्छा ही कहा जाएगा, हम उसने सच को सच बोला है, पहली बार किसी आदमी ने सच को सच बोला है, इसके लिए हम कटे साहब का धन्यवाद करते हैं। और ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है कि 26 तारीख के पहले भी किसानों का आंदोलन था, वो शांतिपूर्वक था, और 26 तारीख के बाद भी शांतिपूर्वक है। जो 26 तारीख को हुआ वो सरकार के द्वारा संयोजित था, अगर वो किसानों का होता तो 26 तारीख से पहले भी हो सकता था, और ये जो 6 तारीख को हुआ ये भी उपद्रव में बदल सकता था, लेकिन किसान नहीं चाहते। हमें तो डर लग रहा है कि कोई ऐसी ताकत ना आए जो इस शांतिपूर्वक धरने इसको प्रदर्शन को ये हिंसा में ना बदल दे, हमें इस बात का अभी भी डर है। हमें सरकार की उचित शासन से हमें अभी भी डर लगता है कि किसान ही ऐसी कोई हरकत कर सकता, ये अन्नदाता है, ये तो दानी पुरुष है, ये गलत शरारती हरकतें नहीं। जो लगातार संख्या बढ़ रही है जी, अभी ये जिमीदारों के समझ में आ गया भी सरकार जो है ढुलमुल रवैया अपना रही है, इसका जो हमारा संघर्ष है इसको लगातार शांति प्रिय चलाने के लिए लगातार यहाँ जो जनता बढ़ रही है और दिल्ली जा रही है, सब ने अपनी टीमें बना ली हैं गांवों में, और टीमें बना के चाहे यहाँ आने की बात है चाहे दिल्ली जाने की बात है चाहे किसी रास्ते की बात है, सबको बाखूबी निभाने का काम कर रहे हैं लोग। कैत जी के गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की बातों को देखते हुए जो उन्होंने बातें कही हैं और आदेश दिए हैं, हर गाँव में आज मीटिंगें चल रही हैं और सब अपने स्तर पर पैसे भी इकट्ठे कर रहे, रस्त भी इकट्ठी कर रहे, और ट्रालियाँ जिनकी वहाँ खड़ी हैं वहाँ पे अपनी कारों के माध्यम से लोग ड्यूटियाँ लगा के 4-4 दिन की, कोई 8-8 दिन की वहाँ लोग जाने के लिए अपनी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, और जो वहाँ 4 दिन बाद लड़के आएंगे या कोई भी किसान साथी गाँव से कार जाएगी उनको ले कर आएगी, पहले वालों को और नयों को छोड़ के आएगी, ऐसे ड्यूटियाँ लगा दी हैं। इसलिए CID के माध्यम से सरकार के पास सारी खबरें हैं, लेकिन हम तो अब आज फिर यही विनती करते हैं सरकार से कि भाई किसान अपने खेत में काम करना चाहता है इसको खेत में काम करने दें, जो ये नुकसान हो रहा है ये जहाँ किसान का नुकसान हो रहा है वहीं देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान का नुकसान है जो देश का नुकसान है, इसलिए किसानों की बात सुने और जो सरकार डिलमुल रवैया अपना रही है इसको छोड़ते हुए ये 3 काले कानून वापस लेने का काम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।